हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के आगे से। तो इसके पहले हमने जाना था कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आपका होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ हम डिफरेंसेस जानेंगे, डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपका क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो पॉइंट के बीच में बहुत सारे आपके डिस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर इस पाथ से चलेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ से चलेंगे तो ऐसा डिस्टेंस बन जाएगा, या कोई और पाथ ले रहे हैं तो और डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वो स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? यूनिक वैल्यू होती है। तो सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है दो पॉइंट के बीच का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई भी मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो डिस्प्लेसमेंट का वो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा। यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और विदाउट रिटर्निंग, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी अदर केसेस में क्या होंगे कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है कि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के साथ आपका डिक्रीज कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, वो जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेम पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका? जीरो हो जाएगा। जैसे हम डायरेक्शन क्या लेते हैं कि अगर राइट पे कोई है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट पे है तो क्या लेंगे? तो नेगेटिव। अब अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में मूव करना स्टार्ट कर दे तो हम बोलेंगे उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव भी होगा। डिस्टेंस क्या होता है कि जो भी जिस भी पाथ पर ट्रेवल किया उसके लेंथ को अगर हम मेजर कर लें तो जितनी भी लेंथ आती है उस लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से कि दिया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल, और सेकेंड है फुल ऑफ द सर्कल। तो दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, अगर वो हाफ ऑफ द सर्कल ट्रेवल करता है, मान लो ये मान लो कि ये हाफ सर्कल है आपका, ठीक है, और इसका हम रेडियस लेट कर लेते हैं। रेडियस कितना है आर? ए पॉइंट ए से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और कहाँ तक ट्रेवल किया? किस पॉइंट पे? बी पॉइंट तक। तो अब हमें पता करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इनिशियल पॉइंट आपका क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका? बी। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन तो ही बन जाएगा, और दिस इज द डायमीटर ऑफ द हाफ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर का जो टू टाइम्स ऑफ रेडियस। अब डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपका लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ हो जाएगी, इस लेंथ पे ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल। तो फुल सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा πr। दिस विल बी द डिस्टेंस। सेकेंड प्रॉब्लम है कि जब ये फुल सर्कल आपका कवर करेगा तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा?
एक अगर फुल सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया, रेडियस आर सपोज करो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे वो रीच कर गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बन जाएगा सेम बन जाएगा, रिटर्न आ गया है आपका ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो इसकी पूरी डिस्टेंस क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है आपका 2πr। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी भी यहाँ पे दो हम डिस्कस करते हैं, एक हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है आपका, तो सपोज करो कि हमें पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इसकी, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है कि इसने पूरे में जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इसको हम बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी। अब यूनिट क्या हो जाती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी सेम, तो वेलोसिटी भी आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कोई अगर राइट पे है तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में है लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसमें डायरेक्शंस भी होती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ये भी आपका रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का, ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है, और स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। इसमें भी हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम टाइम पर जो उसकी स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और एवरेज स्पीड आपका हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से बी गया और बी से कहाँ पर गया सी, यहाँ की डिस्टेंस डी वन, बी टू सी डिस्टेंस डी टू,
ए से बी में इसने टाइम लिया टी वन, बी से सी में टाइम लिया टी टू, तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो आएगी वो आएगी टोटल डिस्टेंस डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। यहाँ पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम गिवन है, ए कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस डी एट आई स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द सेकेंड थर्ड एट आई स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट थर्ड एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे देखते हैं, तीन पार्ट में ब्रेक कर देते हैं टोटल को। ए से बी कितना डिस्टेंस डी वाई थ्री, बी टू सी डी वाई थ्री, और सी टू डी कितना हो गया डी वाई थ्री। ए टू बी किस स्पीड से जा रहा है, ए टू बी ये ट्रेवल करता है फर्स्ट थर्ड को 10 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे स्पीड आपकी है 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कितने से 20 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट कितना है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर किया। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए टू बी उसने जो टाइम लगाया वो टी वन, बी टू सी जो टाइम लगाया उसने टी टू, और सी टू डी जो टाइम लगाया वो टी थ्री है। तो अब हमने पढ़ा है डिफिनेशन में कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हमें तो टाइम तो गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम क्या करेंगे टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे देखते हैं कितने डिस्टेंस डी वाई थर्ड सेकेंड का वर्क करता है डी वाई थर्ड, और टाइम कितना लिया टी वन टी टू प्लस टी थ्री। तो यहाँ पे हम टी वन का कैलकुलेट, टी वन क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी वाई थ्री अपॉन 10, टी टू क्या हो जाएगा डी वाई थ्री अपॉन 20, और आपका टी थ्री हो जाएगा डी वाई थ्री अपॉन 60। यहाँ पे पुट कर देंगे डी वाई थ्री प्लस डी वाई थ्री प्लस डी वाई थ्री अपॉन डी वाई थ्री अपॉन 10 डी वाई थ्री अपॉन 20 प्लस डी वाई थ्री अपॉन 60। डी वाई थ्री को कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी वाई थ्री को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 थ्री अपॉन 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, और सबका एलसीएम आ जाएगा 66 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 × 60 अपॉन 10, ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। सेकेंड प्रॉब्लम की मैंने ए सिप मूव ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, एंड देन टर्न्स एग्जैक्टली टूअर्ड्स साउथ फॉर एन आवर एट 5 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 आवर के लिए ट्रेवल करता है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में किस स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने आवर के लिए 1 आवर के लिए। तो 1 आवर में ट्रेवल कितना कर लेगा 12 किलोमीटर, सपोज को ए टू वी गया, इसके बाद नेक्स्ट साउथ में जाता है आपका फॉर 1 आवर, तो कितने की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में जाएगा कितना 5 किलोमीटर। कैलकुलेट कर लेते हैं पॉइंट आपका कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाती है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, और इसने टाइम कितना लिया 1 आवर फ्रॉम ए टू बी और 1 आवर फ्रॉम बी टू सी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, तो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो दिस विल बिकम राइट एंगल ट्रेंगल। वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट दैट इफ दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, मतलब ये आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 13, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 13 ना होगा, 12 प्लस 5 कितना होगा 17 होगा। तो एवरेज स्पीड आपकी 8.5 आएगी, एवरेज स्पीड कितनी आएगी 8.5, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ द पाथ, तो 12 प्लस 5 टोटल प्लस 13 होगा कितना होता है 17 होता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 13 और टाइम कितना ले रहा है टोटल 2, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 6.5 किलोमीटर पर आवर।